हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 10 से 15 लोगों की चिकन मंदी की रेसिपी। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने इस रेसिपी को अभी तक ट्राई नहीं किया हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम चिकन मंदी मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने ले लिए कुछ सूखे मसाले जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि काली मिर्च, जीरा, धनिया, सौंफ। साथ ही में हम ले लेंगे लौंग, हरी और काली इलायची ले लेंगे, जावित्री और जायफल लेंगे। साथ ही में हम ले लेंगे सोंठ और स्टार ले लेंगे। उसके साथ में हम ले लेंगे दालचीनी, सूखा या काला नींबू ले लेंगे, इसे हम बाद में ऐड कर लेंगे। इन सभी मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे। नींबू को इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे, इसे हम बाद में ऐड कर लेंगे। इसमें से कुछ मसाले को हम साइड में निकाल के रख लेंगे, 5 से 6 टेबलस्पून निकाल लेंगे। इसे हम मंदी राइस बनाते समय इस्तेमाल करेंगे। और जो हमने बचा कर रख लिया है, इसे हम चिकन मैरिनेट में ऐड कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च। साथ ही में ले लेंगे हम ऑयल, आप चाहो तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। फिर हम ले लेंगे लेमन, सैफ्रॉन और कुछ मसाले जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। चिकन हमने ले लिया है 2.5 किलो और हमने यहाँ थाई पीसेस ले लिए हैं और इसके अंदर हमने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं ताकि मसाला इसके अंदर तक जाए। तो चलिए चिकन मैरिनेट बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बाउल में ऐड कर लेंगे मंदी मसाला जो हमने ब्लेंड करके रख लिया था। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर और कुछ मसाले जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और सैफ्रॉन। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे इसके अंदर और थोड़ा सा ऑयल जाएगा तो फिर इसमें ऐड कर लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और ये हमारा मैरिनेट बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चलिए इसे अब हम चिकन पर अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए चिकन को अब हम मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। आप चाहो तो अदरक लहसुन इसके अंदर स्किप भी कर सकते हो। ज़्यादातर लोग इसके अंदर अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप चाहो तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब हम एक एक पीस उठा लेंगे और जो हमने चिकन मैरिनेट बना के रखा था उसे इस पर अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से इस तरह से दोनों तरफ अप्लाई कर लेंगे और जो इसके अंदर कट्स लगे हैं उसके अंदर भी अच्छे से हम फिल कर लेंगे ताकि इसके अंदर तक मसाला जाए। और इसी तरह से हम सभी चिकन पीसेस को मैरिनेट करते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। और हमने यहाँ चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। आप चाहो तो इसे 3 से 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करके रख सकते हो मैरिनेशन के लिए, या फिर आप चाहो तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हो। चिकन यहाँ अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसे हमने 4 घंटे के लिए अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। तो चलिए इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन पीसेस। जब तक ये अच्छे से नीचे से फ्राई ना हो जाएगा, इसकी साइड को हम नहीं पलटेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करोगे ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसे आप मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें जब तक ये नीचे से अच्छे से फ्राई ना हो जाए, इसकी साइड को ना पलटें। जब ये नीचे से अच्छे से फ्राई हो जाएगा तभी हम जाके इसकी साइड को पलटेंगे। ये नीचे से अच्छे से फ्राई हो चुका है तो चलिए इसके हम साइड को पलट देंगे और इसे अच्छे से फ्राई होने के लिए रख देंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है तो चलिए इसकी साइड कॉर्नर्स को भी हल्का सा इस तरह से उठाकर हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए। और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर में और इसी तरह से हम सभी चिकन को फ्राई करके रख लेंगे। और हमने यहाँ सारी चिकन को फ्राई करके रख लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और हमने यहाँ 2 किलो बासमती राइस को सोख करके रख लिया है। इसे हमने आधे घंटे के लिए सोख करके रख लिया। आप चाहो तो 15 मिनट्स के लिए भी रख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। उसके लिए हमने ले लिए कुछ मसाले जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए अब हम बना लेते हैं मंदी राइस। उसके लिए हमने ले लिया एक बड़ा सा बर्तन। आप चाहो तो लगन ले सकते हो या कोई यूटेंसिल्स ले सकते हो। ऐड कर लेंगे 1 कप जितना ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें हमने चिकन को फ्राई कर लिया था। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चौकी हुई ऑनियन। इसे हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 7 हरी मिर्च और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे
एक टेबलस्पून जितनी काली मिर्च। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बचा हुआ चिकन का मैरिनेट, साथ ही में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मंदी मसाला जो हमने साइड में उठा कर रखा था। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, साथ ही में ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले ना, और इसे अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूखा नींबू। आप चाहो तो इसके अंदर काला नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल हो उससे ऐड कर लें। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 लीटर जितना पानी। हमने यहाँ 2 किलो राइस का इस्तेमाल किया है, तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1.5 लीटर जितना पानी। इस साइज के जग से हमने 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। हमने यहाँ 1 ग्लास राइस के लिए 1.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। पानी आप इसके अंदर राइस की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर ले। 1 ग्लास राइस के लिए हम यहाँ 1.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चिकन क्यूब। अगर आपके पास वो अवेलेबल ना हो तो चिकन मसाले का इस्तेमाल कर लें। नमक हमने यहाँ 5 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक एडजस्ट करें। तो चलिए इसे अब हम कवर करके बॉईल आने तक का पका लेंगे। और आप देख सकते हो इसके अंदर बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसका अब हम लीड हटा देते हैं और इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देंगे। जैसे ही अच्छे से बॉईल हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे राइस जो हमने सोक करके रखे थे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सोक किए हुए राइस। हमने यहाँ 2 kg बासमती राइस को सोक करके रख लिया था। इसके अंदर सारा राइस को हम ट्रांसफर कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम कवर करके पका लेंगे जब तक कि इसके अंदर अच्छे से बॉईल आना ना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही इसके अंदर बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा इसका हम लिड हटा देंगे। आप देख सकते हो इसके अंदर बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे केसर, इसे हमने सोक करके रख लिया था ताकि इसके अंदर अच्छे से कलर आ जाए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर का सारा पानी ड्राई होने तक का हमें हाई फ्लेम पर पका लेना है। जैसे ही इसका अंदर का सारा पानी ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा फ्लेम को हम लो कर लेंगे। आप देख सकते हो इसके अंदर का सारा पानी ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर पका लेंगे। दस से 15 मिनट हो चुके हैं, राइस यहाँ अच्छे से दम हो चुका है। तो चलिए इसका अब हम लीड हटा देते हैं। आप देख सकते हो राइस यहाँ अच्छे से दम हो चुका है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमने जो चिकन पीसेस जो फ्राई करके रखे थे उसे अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और हमने यहाँ सारे चिकन पीसेस रख लिए हैं। इसके ऊपर हल्का सा ब्राउन ऑनियन गार्निश कर लेंगे। साथ ही में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्राइड किए हुए ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम और ब्लैक और ब्राउन किशमिश। इसे हमने फ्राई कर लिया था, इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। इसके अंदर स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए एक कोयले को गर्म कर लेंगे। इसके ऊपर ऐड कर देंगे ऑयल या घी। इसे हम कवर करके रख लेंगे 10 मिनट के लिए ताकि इसके अंदर अच्छे से स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। इसके अंदर स्मोकी सा फ्लेवर अच्छे से आ चुका है। तो चलिए इसके अंदर जो हमने कोयला रखा था इसे हम हटा देंगे। और ये हमारी ज़बरदस्त सी मंदी बनकर तैयार है। तो चलिए इसे अब हम सर्विंग प्लेटर में निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसे अब हम डिश आउट कर लेते हैं। और हमने यहाँ 15 मेंबर्स के लिए मंदी बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। हमने ले लिया है राइस, इसके ऊपर हल्का सा ब्राउन अनियन गार्निश कर लेंगे। साथ ही में हम इस पर ड्राई फ्रूट्स भी गार्निश कर लेंगे। फिर हम इस पर ऐड कर लेंगे चिकन पीसेस जो हमने फ्राई करके रखे थे। इसे हम सर्व करेंगे टमाटर की चटनी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।